चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन प्रेस करें। Thank you.
रसूल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हो चुकी है, मगर मैं पहली बार सरकार में हाजिर हुआ हूँ आस्थाने पे। इब्राहिम भाई ने बड़ी तारीफ़ करी इस मंच की, इस महफिल की। सरकार हज़रत हैदर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा डंक वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, ये वलियों का आस्थाना है। और मैं यहाँ पे पक्की बात अगली बार एक दिन पहले आ जाऊंगा। ये मंजर जो देख रहा हूं मैं, इधर मस्जिद इधर मंदिर, इधर मस्जिद इधर मंदिर, उधर गिरजा उधर गुरुद्वारा, इधर मस्जिद इधर मंदिर, उधर गुरुद्वारा इधर गिरजा, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, जहाँ भी यार का जलवा नजर आए वहीं गिरजा, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो, रहे तू सामने ख्वाजा, न जाना तू ख्वाजा, रहे सामने मेरे नजारा हो तो ऐसा हो, रहे तू सामने मेरे नजारा हो तो ऐसा हो। ये कलाम मेरा अल्लाह पाक ने बड़ा हिट करा, क्योंकि जब मैं गरीब नवाज से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं समझ सकता हूँ कि नौजवानों की बड़ी फरमाइश गजल की, मगर इस कलाम को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट गजल पढ़ूंगा, सुनना क्या। गरीबों को दिल से लगाते हैं ख्वाजा, गरीबों को दिल से लगाते हैं ख्वाजा के सोया नसीबा, ये तो बड़े खतरनाक सुनने वाले बैठे हैं। गरीबों को दिल से लगाते हैं ख्वाजा के सोया नसीबा, जगाते हैं ख्वाजा, दुआ मांगो जा कर के ख्वाजा पिया से, के देता खुदा है दिलाते हैं ख्वाजा, हल्का सा मॉनिटर बना दे, हल्का सा मॉनिटर लाउड मेन माइक का, तो तलब से भी ज्यादा रजमानो ताजो चाहूंगा था बच्चों, तलब से भी ज्यादा अता हो रही है, करम की तेरे दर पे सुनी जा रही है, तो रज्जब तो हज का महीना लगता है,
रजब तो हज का महीना लगता है, राजा का दरबार मदीना लगता है। जब पहले से तैयार होकर बैठे हैं, हक मुई हक मुई, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, अजमेर की गलियां वो आना सागर, बुलंदर वाजा अजमेर में
में बरसात होती है, फूल की बेल में बरसात होती है। अब पता चलेगा क्या आप कैसा सुन रहे हैं, इस मिश्रे में समझ में आ जाएगा। झूम दे गाते यहाँ सब लोग आते हैं, मौस का सदका मेरे सदका मेरे ख्वाजा लुटाते हैं, नूर की अजमेर में बरसात होती है, रोज ख्वाजा की नबी से आए है। ये ऑडियंस है या हम ऑडियंस हैं? नूर की अजमेर में बरसात होती है, रोज ख्वाजा की नबी से बात होती है। अजी अरशे आजम का वो जीना लगता है, अरशे आजम का वो जीना लगता है, राजा का दरबार मदीना लगता है। आगे के रहो में जो लोग बैठे हैं तब जो चाहूंगा, है खुदा उनका नबी उनके वली उनके, है हसन उनके हुसैन उनके वली उनके। जहाँ से भी प्यारे हैं ये ख्वाजा ख्वाजा वालों को, जहाँ से भी प्यारे हैं उनके जैसा कोई सखी ना लगता है, उनके जैसा कोई सखी ना लगता है। ख्वाजा का दरबार मदीना लगता है, जैसा कोई सखी ना लगता है। हुजूर गरीब नवाज का आस्ताना वो आस्ताना है, हुजूर गरीब नवाज का आस्ताना वो आस्ताना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब का इंसान मेरे गरीब नवाज के दरबार में जाता है, हर मजहब का इंसान हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जाता है। और ये देखिए ये जो माहौल है यहाँ का जो मैं देख रहा हूँ कि कसम खुदा की अल्लाह ताला ये मोहब्बत जैसी मैं आज अपने इस गांव में इस शहर में देख रहा हूँ, परवरदिगार पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मोहब्बत हो जाए। क्योंकि सर ये शेर मुझे खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा, मैंने बहुत कुछ मंत्री जी के लिए लिखा था कि जब वो आएंगे तो मैं पढ़ूंगा, मगर वो यहाँ से उन तक ये वीडियो जाना चाहिए कि जुनैद ने आपके लिए मैसेज दिया यहाँ पे जितने लोग बैठे थे। क्योंकि ये वो मंच है दोस्तों, ये कोई मंच सियासत का नहीं है, ये आशिकों का मंच है।
ये प्यार करने वालों का मंच है। तो मैं यहाँ जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैठे हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं अलग ऐलान इस बात को कह रहा हूँ क्या कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। ये वहां पर है, क्यों इसी ने शेर का यहां पर साहब अभी मुझे मास्ताने के पास मिले थे, हिंदू थे, टीका लगा था, आते ही उन्होंने मुझसे फरमाइश रख दी कि जुनेद भैया वो कान में इतनी पब्लिक तो माशाल्लाह वहीं मुझे लेने पहुंची आस्ताने पे, तो मैं उनका फरमाइश कर रहा हूँ पूरी, क्योंकि मुझे सलाम है उनको मेरी, उनकी मोहब्बत को, हरी नवाज की।